बच्चों, विपणन प्रबंध विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्टाइजिंग अर्थात विज्ञापन। शुद्ध भाषा में हम समझें तो विज्ञापन शब्द का अर्थ है किसी बात को याद कराना, अर्थात ग्राहक को किसी वस्तु विषय के बारे में याद कराना, या यूं कह लीजिए कि ग्राहक को एक उत्पाद की ओर मोड़ना। हम देखें तो विज्ञापन जो है शब्द कोश के अनुसार एक तरह से एक सार्वजनिक सूचना है। विज्ञापन जो है संवर्धन का एक मुख्य तरीका होता है। कोई भी मौखिक, लिखित, सर्वे, दृश्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार जो किसी विचार, विषय, उत्पाद, सेवा आदि को परिचित एवं लोकप्रिय बनाने का कार्य करे तथा जिसके लिए भुगतान किया जाए उसे विज्ञापन कह सकते हैं। विज्ञापन क्रेताओं और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। विज्ञापन का प्रयोग न केवल व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपनी छवि और ब्रांड वरीयता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, बल्कि अन्य संस्थाओं द्वारा सूचनाएं प्रदान करने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय विज्ञापन का युग है। अगर हम परिभाषात्मक रूप में समझें तो विज्ञापन की मुख्य परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। CA Kirkpatrick कहते हैं कि विज्ञापन एक सामूहिक संदेश वाहन है जो अधिकतम लाभ के उद्देश्य से क्रेताओं को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। यानी यहाँ यह बताया गया है कि विज्ञापन एक तरह से एक समूह भर को दिया गया एक संदेश है, एक संदेश का तरीका है जिसके माध्यम से कोई वस्तु का विक्रेता जो होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रेताओं को उस वस्तु की खूबियाँ बताकर, उस वस्तु के उपयोग के तरीके बताकर वो क्रेताओं को उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अन्य रूप में समझें तो CL Wolling कहते हैं कि विज्ञापन को उत्पाद या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है। ये बताना चाहते हैं कि विज्ञापन वास्तव में कला है, एक ऐसी कला है जिस कला के माध्यम से उपभोक्ताओं को उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के उपयोग के बारे में, उससे लाभ क्या हो सकते हैं, किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में बताकर वो विज्ञापन उस वस्तु की या उत्पाद की सेवा या मांग को उत्पन्न कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञापन एक संचार प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित विज्ञापनकर्ता अव्यक्तिक साधनों अथवा संपर्कों द्वारा जनता को उत्पादों या सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विज्ञापन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है क्रेताओं के प्रति एक अव्यक्तिक संदेश है। किसी माध्यम से क्रेताओं को एक संदेश दिया जाता है कि वो उस वस्तु के प्रति आकर्षित हों। यह मौखिक, लिखित अथवा दृश्य के रूप में भी हो सकता है, यह उत्पादों, सेवाओं का या विचारों के संवर्धन के लिए होता है, यह बाज़ार में उत्पादों की उपलब्धता की सूचना भी देता है, यह विक्रय में वृद्धि करता है और उत्पाद को संरक्षण प्रदान करता है, यह उत्पादों को बाज़ार में स्थापित करने में सहायता करता है, यह उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है, यह नए उत्पाद के बाजार प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक संचार माध्यम भी है। ये विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को बनाना और पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाना भी होता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य किसी उत्पाद अथवा सेवा का विक्रय करना है। दीर्घकालीन दृष्टि से विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों के विक्रय में वृद्धि कर लाभों में वृद्धि करना है। विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य के रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को नए उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना कि वह उन उत्पादों का क्रय भी करे। इसके साथ साथ विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि करना होता है। विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं को बराबर उत्पाद के बारे में याद कराया जाता रहता है। विज्ञापन का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि वह उपभोक्ताओं को उत्पाद के प्रयोगों और उपयोगिताओं के बारे में शिक्षित करे। कई बार उपभोक्ताओं को उत्पादों के पूरे प्रयोगों का पता नहीं होता, विज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचना मिल जाती है कि किस प्रकार इनका कहाँ उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ विज्ञापन का उद्देश्य विक्रय कार्य को पूरा करना भी होता है, जैसे कि डाक द्वारा समस्त कार्य विज्ञापन द्वारा पूरे हो जाते हैं। उपभोक्ताओं को नए प्रयोगों की जानकारी देना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन प्रतिस्पर्धी विज्ञापनों के प्रभाव को भी खत्म करता है, क्योंकि उपभोक्ता को पता लग जाता है कि इस वस्तु का उपयोग सबसे अधिक उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से विज्ञापन उपभोक्ताओं को परिवर्तनों की जानकारी भी देता है। कई बार क्या होता है कि संस्था अपने किसी विशेष उत्पादन में, मॉडल में, किसी वस्तु में परिवर्तन करती है, जिसकी सूचना विज्ञापन के माध्यम से वो ग्राहकों को दे देती है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को
किसी विशेष प्रतियोगिता का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। विज्ञापन के माध्यम से लक्षित बाजार के उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद के मूल्य, विशेषताएं और उपलब्धता की सूचना देकर उन्हें उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विज्ञापन उत्पादों के विक्रय में सहायता करता है। विज्ञापन जो है विक्रयकर्ता को उसे समझाने अथवा प्रेरित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। विज्ञापन का उद्देश्य केवल मांग में वृद्धि करना ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ उसकी वर्तमान मांग को बनाए रखना भी होता है। उद्देश्यों के साथ साथ यदि हम विज्ञापन के कार्यों को पढ़ें तो विज्ञापन के कार्यों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, सहायक और सामाजिक कार्य। प्राथमिक कार्यों के अंदर हम देखें तो मुख्य कार्य ये रहते हैं कि विज्ञापन जो है उपभोक्ताओं को नए उत्पादों की जानकारी देता है, नए क्रेताओं को आकर्षित करता है, उत्पाद के प्रयोग में वृद्धि करता है, नए उत्पाद को बाजार स्वीकृति प्रदान करवाता है, मध्यस्थों को उत्पाद के विक्रय में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है, मध्यस्थों को उनके विक्रय प्रयासों में सहायता करता है, फर्म की लाभों में वृद्धि करता है, फर्म की ख्याति में वृद्धि करता है, उत्पाद की किस्म आदि पर भी नियंत्रण रखता है। अगर सहायक कार्यों का अध्ययन करें तो सहायक कार्यों में विक्रयकर्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों के मनोबल में विज्ञापन वृद्धि करता है, विज्ञापन प्रतियोगी विज्ञापन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है, कर्मचारियों में सुरक्षा और गर्व की भावना पैदा करता है, विक्रय जोखिमों में कमी करता है, क्रेताओं के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। सामाजिक कार्य का अध्ययन करें तो विज्ञापन औद्योगिक उत्पादों के क्रय को प्रोत्साहित करता है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा होता है, उत्पाद की मांग में वृद्धि कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है, सरकारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है, घातक बीमारियों के बारे में जानकारी देता है और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाता है। यदि विज्ञापन के लाभ या महत्व का हम अध्ययन करें तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि विज्ञापन पर किया गया व्यय एक विनियोग है, यानी विज्ञापन पर किया गया खर्च व्यर्थ नहीं होता। विज्ञापन का मतलब एक तरह से पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसके माध्यम से जो है मदद मिलती है, लाभ बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम होते हैं वहाँ विज्ञापन हमारे संग होता है। इसका मतलब कि मनुष्य का सारा जीवन विज्ञापन में हो गया है। हम लाभों को भी तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्पादकों को लाभ, आपका मध्यस्थों को लाभ और इसके अलावा उपभोक्ताओं को लाभ। साथ साथ हम कहें तो विज्ञापन से समाज को भी काफ़ी लाभ होता है। अगर हम उत्पादकों के लाभों का अध्ययन करें तो एक तरह से विज्ञापन के माध्यम से उत्पादकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की विक्रय में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विज्ञापन से लोगों को वस्तु का पता लगता है और उसे खरीदने लग जाते हैं। बिक्री बढ़ने के कारण उसके शुद्ध लाभों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वस्तु अधिक बिकने से जो उत्पादक होते हैं उनकी बिक्री बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है उन्हें लाभ अधिक होते हैं। और विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को सूचना मिलती रहती है वस्तु के उपयोग के बारे में, या किस समय किस वस्तु का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, जिससे विक्रयों में स्थिरता बनी रहती है, मूल्यों में भी स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि विज्ञापन के कारण जो मूल्य वस्तु का होता है वो विज्ञापन में दिखा दिया जाता है, जिससे विक्रेता जो वस्तु का मूल्य अधिक नहीं ले सकते। नए उत्पादों से परिचित भी विज्ञापन करवाता है ग्राहकों को, उत्पादक की ख्याति में वृद्धि भी होती है, मध्यस्थों को भी मदद मिलती है वस्तु के विक्रय करने में, और प्रतिस्पर्धा जो होती है बाजार में उस प्रतिस्पर्धा को में जीतने के लिए भी उत्पादक को लाभ मिलता है विज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में पता चलता रहता है। यदि हम मध्यस्थों के लाभों के बारे में पढ़ें तो विशेष तौर पर क्या होता है, किसी उत्पादक को वस्तु बेचने के लिए विक्रयकर्ता की आवश्यकता होती है और वस्तु को मध्यस्थों या विक्रयकर्ताओं के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। मध्यस्थों को भी विशेष लाभ विज्ञापन से होते हैं, जैसे कि मध्यस्थों के लिए विक्रय करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें वस्तु के बारे में बताना नहीं पड़ता ग्राहक को, ग्राहकों को विज्ञापन से पता लग जाता है कि किस वस्तु का उपयोग क्या है, उसमें लाभ क्या है, और उस वस्तु को पहले ही आकर मांगने लग जाते हैं। और जब ग्राहक स्वयं आकर वस्तु को मांगता है तो जाहिर सी बात है विक्रय में भी वृद्धि हो जाती है, शीघ्र विक्रय किया जाता है, उपभोक्ता अत्यधिक आकर्षित भी हो जाते हैं वस्तु के प्रति, उससे मध्यस्थों के बोझ में कमी हो जाती है, क्योंकि जितना माल वो लेते हैं उस माल को ग्राहकों की मांग के अनुसार आसानी से बेच पाते हैं, वो नए उत्पादों का विक्रय करने में भी सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम पढ़ें कि उपभोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं तो हम विशेष तौर पर कह सकते हैं कि विज्ञापन के कारण उपभोक्ता शिक्षित हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि किस वस्तु की विशेषता क्या है, उसके उपयोग क्या है, कहाँ वो मिलेगी, क्या उसका मूल्य है। इसी प्रकार विज्ञापन के माध्यम से उन्हें पता लग जाता है कि जो वस्तु बाजार में उपलब्ध है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्रयोग करने पर हमें क्या लाभ होगा,
क्रय करने की सुविधा भी उन्हें मिलती है, क्योंकि उसे ये भी पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ आपको बाज़ार में मिल सकती है, मूल्य की जानकारी उन्हें मिल जाती है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। इसके साथ साथ जो है उसे आवश्यक बातें जो होती है इस वस्तु के विषय में कि किसका कब उपयोग किया जाना चाहिए, उन सब के बारे में उसे पता लग जाता है। अगर हम समाज के लाभ के बारे में आते हैं तो समाज में बहुत महत्वपूर्ण लाभ विज्ञापन के माध्यम से होते हैं समाज को, क्योंकि विज्ञापन जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि विज्ञापन किसी को करना है तो उसे विज्ञापन लिखने वाला भी चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, फोटोग्राफर भी चाहिए। एक तरह से बहुत से लोगों को विज्ञापन रोजगार दिलवाता है। विज्ञापन से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, विज्ञापन से मांग का स्तर बढ़ता है, इसी तरह विज्ञापन से मध्यस्थों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता सीधा मेल करवा देता है। उसको उपभोक्ता को पता होता है कि वस्तु उसे कहाँ मिलनी है, वह व्यक्तियों को शिक्षित भी करता है, उनका सांस्कृतिक विकास भी करता है। विज्ञापन विक्रयकर्ता को भी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से विक्रयकर्ता को अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रयत्न कम करने पड़ते हैं, क्योंकि उत्पादकों को सूचना देना विज्ञापन का काम हो जाता है और उस वस्तु को आसानी से बेचा जा सकता है। वो उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है वस्तु खरीदने के लिए, इसके कारण विक्रयकर्ता के कार्य में कमी आ जाती है, क्योंकि ग्राहक को सीधा सीधा पता है क्या वस्तु लेनी है, कहाँ से लेनी है, उसके क्या उसे लाभ होने हैं, इसलिए विक्रयकर्ता का काम आसान हो जाता है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं का ज्ञान भी हो जाता है, वस्तु के बारे में बताना नहीं पड़ता, इसलिए विक्रयकर्ता को वस्तु बेचना आसान होता है, जिसके कारण विक्रयकर्ता के मनोबल में वृद्धि होती है और उसका विज्ञापन अच्छा होने के कारण लगातार बार बार उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है, जिससे उसके जोखिम में भी कमी आ जाती है। जहाँ हमने विज्ञापन के इतने लाभों का अध्ययन किया है, वहाँ कुछ लोग विज्ञापन में कुछ कमियाँ भी बताते हैं, उसकी आलोचनाएँ भी करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञापन व्यय एक अनावश्यक व्यय है, वो कहते हैं कि विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, जिसके कारण विज्ञापन करने से फर्म के खर्चे बढ़ जाते हैं, लाभ कम हो जाते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय हो जाता है। इन आपत्तियों को जो है हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बताया गया है आर्थिक आपत्तियाँ। आर्थिक आपत्तियाँ क्या कहती हैं? कि विज्ञापन उत्पादकीय नहीं है, कि विज्ञापन पर खर्च करने से किसी भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए व्यर्थ व्यय है। विज्ञापन के कारण खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ने से जो है लागत और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यदि खर्चा ना बढ़ाया जाए लागत मूल्य कम रहेगा। इसके साथ साथ विज्ञापन बढ़ाने से ये कहता है कि मानवीय भावनाओं और प्रवृत्तियों का सहारा लेकर विज्ञापनकर्ता अनेक उत्पादों को के प्रति क्रेताओं को आकर्षित करते हैं, जबकि उन्हें उसकी अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कह रहा आवश्यकताएं अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं। बड़ी कंपनियाँ विज्ञापन पर अधिक खर्च करके बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं, एक तरह से इससे उनका एकाधिकार बढ़ जाता है। विज्ञापन जो है, विज्ञापनों के कारण लोगों को या तो उत्पादों का शीघ्र उपभोग करना पड़ता है या फिर उनको बेकार फेंकना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी वस्तुओं का अपव्यय हो जाता है, पैसा बेकार चला जाता है। और आलोचक मानते हैं कि विज्ञापन करने से मांग में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, बल्कि एक उत्पादक का बाजार दूसरे उत्पादक को ट्रांसफर स्थानांतरित हो जाएगा। इसके साथ साथ कंपनियों के द्वारा किए गए बड़े स्तर के विज्ञापन अधिकतम क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे विकल्पों में कमी आ जाती है। अगर हम सामाजिक आपत्तियों का अध्ययन करें तो यह यूँ बताया गया है कि सामाजिक आपत्तियों के माध्यम में एक तरह से विज्ञापन गलत तथ्यों की प्रस्तुति देता है। कुछ विज्ञापनकर्ता या कुछ उत्पादक जो हैं अपनी वस्तु या उत्पाद का प्रचार गलत करते हैं ताकि उनके विक्रय में वृद्धि हो सके। ऐसी ऐसी बातें वो बताते हैं जो वास्तव में कोई लाभकारी होती ही नहीं है, और उन बातों को बताकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों का पतन भी जो है विज्ञापन करते हैं, क्योंकि विज्ञापन सिगरेट शराब आदि के भी आते हैं और उन विज्ञापनों को देखकर लोग जो है नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। विज्ञापन असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। विज्ञापन जो है विभिन्न कृत्रिम उत्पाद विभेद जो वो उत्पन्न हो जाता है। कुछ उत्पादों में कृत्रिम मंत्र उत्पन्न कर क्रेताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, जिससे उत्पाद और महंगे हो जाते हैं। अगर नैतिक आपत्तियों का अध्ययन करें तो एक तो उपभोक्ता जो है विज्ञापन के कारण उपभोक्ता ऋणी हो जाता है। कम आय वर्ग के क्रेता कई उत्पादों का क्रय नहीं कर सकते, जबकि विज्ञापन उन्हें ऐसे क्रय को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विज्ञापन सामाजिक बुराइयों को भी जन्म देता है। विज्ञापन नगरीय सुंदरता पर भी बुरा प्रभाव डालता है। विज्ञापन के माध्यम से घटिया उत्पादों का विक्रय भी हो जाता है। विज्ञापन के लाभों को एक तरफ कर विज्ञापन के जिन दोषों की व्याख्या की जाती है उनमें कोई विशेष दम नहीं है, क्योंकि वह दोष वास्तव में विज्ञापन के दोष नहीं है, ये तो विज्ञापनकर्ता के दोष हैं जो गलत तरह से बयान देकर उपभोक्ता को गलत रूप से वस्तु के प्रति आकर्षित करते हैं। हम कह सकते हैं कि विज्ञापन न्यायोचित है। हम इन विज्ञापन की आलोचना को खंडन करते हुए हमको तर्क देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक विज्ञापन में एक दोष बताया गया कि झूठे विज्ञापन,
देखो आमतौर पर कहा जाता है कि विज्ञापन में उन विशेषताओं को बताया जाता है जो उत्पाद में नहीं होती, यानी झूठे विज्ञापन हो गए। परंतु ऐसे विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को एक बार तो लूटा जा सकता है, बार बार नहीं लूटा जा सकता है। इसी तरह से विज्ञापन के द्वारा संभावित क्रेताओं को विभिन्न उत्पादों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, यह भी बताया गया है, जिससे घर बैठे ही उन उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर उचित उत्पाद का चयन कर सकते हैं। अर्थात इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञापन एक तरह से सूचनात्मक संदेश है। विज्ञापन में उत्पादक अपने नए आने वाले उत्पादों की विशेषताओं की सूचना संभावित क्रेताओं तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही विज्ञापन के बारे में कहा गया है कि विज्ञापन से लागतों में या मूल्य में वृद्धि होती है, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विज्ञापन पर कुछ पैसा खर्च तो होता है, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से जो है वो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ताओं को विज्ञापन लाभान्वित करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वस्तु का विक्रय बढ़ने के कारण जो है उत्पादन जो है विस्तृत स्तर पर किया जाता है, जिसमें बांट कर जो है लागतों के मूल्य में कोई विशेष कमी नहीं आती है। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु के मूल्य का पता लग जाता है, इसलिए वस्तु के मूल्यों में विस्तृतता आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञापन में जो है साधनों का दुरुपयोग किया जाता है, जबकि वास्तव में विज्ञापन के बारे में ऐसा नहीं है। विज्ञापन तो जो है नए उत्पादों को बाजार में प्रवेश करवाता है, उपभोक्ताओं को नए उत्पादन के बारे में, नई वस्तुओं के बारे में वो बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञापन जो है एक तरह से एकाधिकार उत्पन्न कर देता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आज प्रत्येक उत्पाद के बाजार में बड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है। आज फर्मों का बाजार में अस्तित्व उनके आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनकी उत्पादन कुशलता पर निर्भर करता है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों की आवश्यकता में वृद्धि करता है, यह भी कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। विज्ञापन केवल ये बताता है कि उन्हें किस वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी वस्तु से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, वह कहाँ मिलेंगी। विज्ञापन में जो है एक तरह से विज्ञापन सामाजिक बुराइयों को भी दूर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञापन में अश्लील चित्रों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन में वास्तव में अनावश्यक रूप से अश्लील चित्रों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह दोष विज्ञापन का नहीं बल्कि विज्ञापन करने वाले का है। इसके लिए तो सरकार को नियम बनाना चाहिए कि विज्ञापन में केवल जो है अच्छी चित्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम अध्ययन करें तो हम वास्तव में कह सकते हैं कि विज्ञापन में कोई कमियां नहीं है। यदि विज्ञापन देने वाला या उत्पादक उसका सही इस्तेमाल करता है, सही तरह के विज्ञापन सामने प्रस्तुत करता है, तो विज्ञापन हर तरह से हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। बच्चों इसके साथ में बताना चाहूँगा, यह हमारा विज्ञापन का विषय ख़त्म हो जाता है। आप इसी विषय को पुस्तक के माध्यम से अध्ययन कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।